हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चार्किंग इंस्टीट्यूट से। गाइस, थैंक यू सो मच, आप हमारे लाइव सेशन में आते हैं और अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आज आपके सामने गोल्ड का स्टडी करूंगा और देखते हैं कि उसमें आगे क्या होता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द गोल्ड स्टडी। देखो गाइस, ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो पूरी एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कैसे हम इसका अगला स्टेप ले सकते हैं। देखिए, पहली बार टेक्निकल क्लासेस पढ़ने पड़ते हैं। अगर टेक्निकल क्लासेस हम देखते हैं पहले, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही वंडरफुल, मतलब बहुत ही बहुत अच्छा, ये 89 डेज के मूविंग एवरेज पर खड़ा है वीकली टाइम फ्रेम पर। और हम डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये टूट चुका है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर देखने का पर्पज ये था कि बहुत काफी ज्यादा करेक्शन थी, इसलिए मुझे यहां देखना पड़ा कि एग्जैक्टली अब लॉन्गर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है। क्यों ऐसा देखना पड़ा? क्योंकि इसमें एबीसी करेक्शन कंप्लीट होने जा रहा है, दैट्स व्हाई यहां पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं डेली के टाइम फ्रेम पर और दिखाता हूं कि क्या एग्जैक्टली बन रहा है। तो आप इसको देख सकते हो कि इस टाइम फ्रेम को, मतलब डेली के टाइम फ्रेम में क्या लग रहा है एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया है कि इस पूरे मूव को वेव फर्स्ट रखा है, वेव सेकेंड रखा है इसको, और वेव थर्ड इसको रखा है, वेव फोर्थ इसको, देन फिफ्थ इसमें। आप लोग क्या देख रहे हो कि जो वेव थर्ड है वो छोटी दिख रही है, राइट? तो मैं इसीलिए इसको बुल वेव का नजरिए से देख रहा हूँ। अगर बुल वेव का नजरिए से देखते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, 2-0 और 2 की टेन लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और इसको कॉपी करके, इसको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके हम कहाँ रखेंगे, वेव फर्स्ट पर रखेंगे। तो जो ट्रेंड दिख रहा है वो काफी नीचे की तरफ दिख रहा है, तकरीबन 40,000 के आसपास दिख रहा है। अब अगर हम इसको 2 और 4 की टेन लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको कॉपी करके हम रखते हैं वेब थर्ड पर, ताकि वेब फिफ्थ का प्रोजेक्शन हो जाए। आप देख सकते हो कि ये भी ब्रेकआउट कर चुका है, मतलब कुल ओवरऑल देखोगे तो वेब फिफ्थ काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो हम इसको वेब फिफ्थ कंसिडर ना करें, और अगर हम ओनली बुल वेव के हिसाब से चलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लो को एक लोअर लो से मिलाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बहुत बढ़िया इसने, मतलब टेन लाइन के अंदर एंट्री करने की कोशिश में है। और अगर हम इसको 0 और 2 के टेन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये कंटिन्यू इस ट्रेन लाइन के ऊपर रहा, कंटिन्यू इस ट्रेन लाइन के ऊपर रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि अगेन ये 48,000 के आसपास जा सकता है। बस अब अगर ये ट्रेन लाइन टूट गया, ये वाला जो ट्रेन लाइन देख रहे हो, ये ट्रेन लाइन टूट गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वो काफी ऊपर तक जाने की प्रॉबिबिलिटी बन जाएगी, तकरीबन 53-54 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी इसमें है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ना करेक्शन की नजर से देखते हैं। तो हम करेक्शन की नजर से अगर इसको देखते हैं, तो आप देखो इसको, ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? ठीक है, तो करेक्शन की नजर देखें तो ये हमारा ए बना, ये बना, इसको हम ए रखेंगे। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाई है, अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 है, तो जाहिर से बात है जिगजग के पैटर्न बनना चाहिए। तो ये जिगजग के पैटर्न के हिसाब से ये बहुत बढ़िया 50% रिट्रेस किया है। जिगजग में जो बी होती है वो ज्यादा से ज्यादा 50% ही जा सकती है, बस मिनिमम 30.2% और मैक्सिमम 50%। तो ये 50% है, तो इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको बी भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी हो गया, ये बी हो गया। अब बारी आती है कि अब ए और बी फाइंड आउट हो गए हैं, तो हम पूरे ए की लेंथ को मेजर कर लेंगे जिगजग में। तो ए की पूरी लेंथ मेजर कर लिया और हम इसको लाकर बी पर रख देते हैं। सी का प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पर, सी तकरीबन यहाँ तक आना चाहिए मैक्सिमम, अगर आता है तो सी बस यहीं तक का लेंथ है। और ये प्राइस क्या है, इसके लिए हम लोग लगाएंगे एक्सटेंशन, तो हम इसको लगाते हैं एक्सटेंशन। और आप देखो कि तो ये जो करेक्शन है, मतलब कोई भी एबीसी में करेक्शन है, जो करेक्शन होती है मिनिमम 61.8% हो सकती है, तो मिनिमम 61.8% है। और अभी ये करंट में जो है प्राइस 78.6% नीचे है, जिस दिन ये 78.6% के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये हमारा जो सी है वो फिनिश हो गया है। अगर नहीं भी फिनिश हुआ है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 100% 43-150 तक मैक्सिमम फॉल है। और ये जो जोन दिख रहा है, ये जो बहुत अच्छा एक्युमुलेशन का है, मतलब यहाँ पर ए और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए और सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी
अच्छा रिवर्सल करने का, ठीक है, बहुत अच्छा रिवर्सल करने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और बहुत अच्छा टाइम से, अगर मतलब मैंने आपको बॉटम बताया है, अगर ये आपको पॉसिबिलिटी मिलती है इसको यहाँ से एक्युमुलेट करने के लिए, तो बहुत ऊपर जाने के भी चांसेस इसके बढ़ जाएंगे और इसमें अच्छा खासा इसमें आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, फिजिकल गोल्ड भी उठा सकते हो। आपको इस प्राइस तक वेट करना है एटलीस्ट, अगर नहीं मिलता है तो 78.6% भी थोड़ा बहुत एक्युमुलेट कर सकते हो। मैं देखो ये जो चार्ट बता रहा हूँ, मैं ऐसा ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहा हूँ, ट्रेडिंग आप इसमें ट्रेड उठाइए और स्टॉप लॉस फॉलो ना कीजिए, ठीक है, आपको मैं इसकी स्टडी पर्पज से दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको ट्रेड की मतलब ट्रीट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर स्टडी के पर्पज से देखना तो स्टडी पर्पज देख लीजिए, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो स्टॉप लॉस तो फॉलो करना ही करना चाहिए, चाहे हम किसी भी चीज में हम ट्रेडिंग करें, राइट, तो आप इसको स्टॉप लॉस के थ्रू ही इसको फॉलो कीजिए, लेकिन फिजिकल कर देंगे तो उसमें तो स्टॉप लॉस लगता नहीं, उसको होल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो आप देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं अगेन, तो अगर 78.6% को ब्रेक करके ऊपर जा रही है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर एंट्री कर जाती है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर एंट्री कर जाए तो बिंदास आप इसमें बने रह सकते हो, ठीक है, इसमें आप बने रह सकते हो, और कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी तो वो तो खैर बात की बात है, पूरे यहां से लेकर यहां तक आप 61% का प्राइस आप निकाल के आप इसको मेजर कर सकते हो। तो ये रहा हमारा गोल्ड की स्टडी, और गाइज हमारा इलेक्ट्रिक का बैच चल रहा है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे काउंसलर कॉल कीजिए, वो आपको सारा डिटेल्स देंगी। अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पर स्टडी करते हैं तो आप देखो इस चीज को, इसमें अभी कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न नहीं बना है, तो ज्यादा जल्दी की पाइन जल्दी जल्दी के चक्कर में ह्यूज पोजीशन उठा लें तो नहीं, आपको 25% या 50% तक पोजीशन आप इस पर आप इनिशिएट कर सकते हैं बिहाफ ऑफ द 89%। अब देखोगे तो कहीं भी 89 को ज्यादा ये तोड़ के नीचे नहीं है, अगर हम इस चार्ट को हम 2016 से देखें टूटा नहीं है 89, और टूटा भी है तो काफी जल्दी बाउंस बैक किया है, आप देखो कितना बढ़िया बाउंस बैक किया है, देखो यहां से ब्रेक किया काफी पैनिक क्रिएट कराने के बाद बहुत बढ़िया बाउंस किया है, और देखो यहां के तकरीबन अभी तक देखा जाए तो 13 अगस्त 2018 के बाद अभी तक इसको टच नहीं किया था, इसे फर्स्ट टाइम ये टच कर रहा है, क्लोजिंग आ गई तो भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, 89 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है इसको रिकवर करने का। तो गाइस ये हमारा वर्ल्ड का स्टडी रहा, ये चार्ट पर कैसे ये आपको कैसा लगा और इस पर आपको क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या लग रहा है गोल्ड ये कमेंट करके जरूर बताएं, अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो भी हमसे पूछें, अगर आपकी अलग व्यू है तो भी हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।